नमस्कार, मैं हूं शेफाली और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उम्र में छोटी मगर लंबी छलांग लगाने वाली छोटी सी बच्ची महक मनवारे हमारे साथ हैं। और महक बहुत अच्छी स्टेट लेवल की स्विमर हैं। महक, सबसे पहले आपसे कि स्विमिंग को क्यों चुना आपने? मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उनने सजेस्ट किया कि स्विमिंग ज्वाइन करें, तो उससे तबीयत थोड़ी ठीक है। लेकिन महक, अभी हमने ये चीज़ देखी कि डॉक्टर के कहने से आपने स्विमिंग ज्वाइन की क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन अब आपने इसको इतने अच्छे से स्विमिंग को करना शुरू कर दिया, अब कैसी लगती है आपको स्विमिंग? मुझे स्विमिंग करना अच्छा लगता है। तो महक छोटी सी हैं, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि स्विमिंग करिए, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अपनी बॉडी को अगर अच्छे से मेंटेन करना है तो स्विमिंग आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन महक को अब स्विमिंग करना बहुत पसंद आने लगा है और महक एक के बाद एक अवार्ड जीतती जा रही है। महक, सबसे पहला अवार्ड आपको कब मिला और कौन से लेवल का कॉम्पिटिशन था? स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन था, 2015 में मिला था मेरे को। उसमें मेरा एस जी एफ आई स्टेट था, वो उसमें फर्स्ट पोजीशन आई थी। महक के बारे में हम आपको बता दें कि महक ने आज से चार साल पहले महक आपने स्विमिंग शुरू की है ना, 4 साल पहले महक ने स्विमिंग शुरू की थी और स्विमिंग का शौक इनको होने लगा और ये स्विमिंग इतनी अच्छी करने लगी, स्विमिंग में इन्होंने अपनी पहचान बनाने का निश्चय कर लिया। और महक ने जूनियर लेवल से शुरू किया था, महक अब सीनियर लेवल पर आ चुकी हैं। महक, इस वक्त आप एक कॉम्पिटिशन करके आ रही हैं, उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस था? उसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, वो स्टेट चैम्पियनशिप थी ओपन्स की और उसमें मेरे 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज लगा। 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ मैं इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई हैं। प्रतिभाएं बहुत हैं देश में, हमारे भोपाल शहर में, लेकिन वो प्रतिभाएं पढ़ाई के बोझ से दब कुछ के कहीं खो जाती हैं। और ख़ासतौर पे अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि गर्मियों की छुट्टियां पहले हम लोग खेलने कूदने में निकाल देते थे, किताबों को हाथ नहीं लगाते थे, लेकिन अब बच्चे उन किताबों का कोर्स पूरा करने में पूरी 2 महीने की छुट्टियाँ गंवा देते हैं। लेकिन महक में खासियत है कि महक ने स्विमिंग को अपना आगे का करियर बनाने का भी सोचा है। महक, अपने स्विमिंग को कैसे, इसमें क्या सोचा आपने आगे स्विमिंग के बारे में? स्विमिंग, इसमें LNIP एक कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन होता है जो स्पोर्ट्स वाले रहते हैं, जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है फिजिकल एजुकेशन में, उससे वहाँ पर वो लोग कोच और जो आगे टीचर और उसमें रहता है स्पोर्ट्स की फील्ड में, वो बनते हैं उससे। कोच बनना चाहती हैं महक और महक चाहती हैं कि वो एक ऐसी कोच बने जो अपनी तरह बच्चों को सिखाएं, बच्चों को। आप जब महक के वीडियोस देखेंगे और देख रहे हैं, जैसा कि महक जल में बिल्कुल परी जैसी नज़र आती हैं, इस पार से उस पार महक पानी में दौड़ लगाती हैं। महक, आगे क्या सोचा है कि पढ़ाई के साथ साथ आप जब स्विमिंग में अपना करियर बनाएंगी तो क्या लगता है कि और जो बच्चे स्विमिंग में करियर के बारे में नहीं सोचते, उनको क्या कहना चाहती हूँ? मतलब फिर उनको ऐसा लगता है कि पढ़ाई और स्विमिंग दोनों को मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो लोग उसके बारे में ज़्यादातर नहीं सोचते। वैसे दोनों चीज़ें मैनेज करना आसान होता है जो कर सकता है उसके लिए। मैं एक चीज़ और पूछूंगी, जब आपने स्विमिंग करने के बारे में सोचा, जब डॉक्टर ने सजेस्ट किया आपको कि आपको स्विमिंग करना चाहिए, बाद में आपको पसंद आने लगी स्विमिंग और आप करने लगे, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, मम्मी ने कि पापा ने? दोनों ने किया सपोर्ट। क्या लगता है कि आपके पीछे आपको लेकर दौड़ने में, आपको स्विमिंग पूल तक ले जाना, फिर आपका स्कूल मैनेज कराना, फिर आपका होमवर्क भी, आपके एग्जाम्स भी और कॉम्पिटिशन्स भी, ये सारा मैनेज करने में मम्मी पापा को प्रॉब्लम हुई? हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हुई और फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। आप मम्मी पापा के सपोर्ट के बगैर ये सब कुछ पॉसिबल था नहीं? ये खास बात है कि माता पिता के सपोर्ट के बगैर कुछ भी संभव नहीं है और महक को भी उनके मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए महक इस पोजीशन में आ पाई हैं। महक, अभी स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? मेरी आनंद विहार स्कूल से हुई है। और अभी कॉलेज क्या सोचा है आपने?
अभी मैंने कॉलेज का सोचा नहीं है, देख रही हूँ मैं जहाँ पर एडमिशन मिल जाए। मैक, स्विमिंग पे आपको और कितना तैरना है, और कितना तैर कर आगे जाओगी जो देश को, अभी तो भोपाल शहर को आप पर गर्व है कि देश को भी आप पर गर्व हो? मेरे को नेशनल में भी मेडल चाहिए और आगे भी मेडल्स चाहिए। हम नेशनल तक सीमित रहेंगे या हमें आगे इंडिया को हाँ, भी रिप्रेजेंट करना है कहीं? एशियन गेम्स और उन सब में भी। एशियन गेम्स में आप रिप्रेजेंट करना चाहती हैं महक। एशियन गेम्स में जब महक रिप्रेजेंट करेंगी और जब अवार्ड जीतेंगी तो देश का तो सही, भोपाल का भी काफ़ी नाम रोशन होगा। महक, आगे हम जानना चाहते हैं कि क्या कठिनाई आई आपको इस लेवल तक आने में? कठिनाई तो बहुत सारी आई, जैसे पढ़ाई भी मैनेज करनी होती थी, स्विमिंग भी, और फिर ट्यूशन भी रहती है, तो फिर इन सबको मैनेज करने में दिक्कत आती है। कभी कभी कहीं बाहर हैं या घर में कोई फंक्शन है या फिर तबीयत खराब है, तो फिर उसको भी देख के चलना पड़ता है। मैं तो खैर जब मेरी तबीयत खराब हुई मैं तभी भी गई हूँ स्विमिंग पूल। ऐसा क्यों हुआ कि हमारी तबीयत खराब है हम फिर भी स्विमिंग जाते हैं, ऐसा क्या सोचते थे उस वक्त? कि बस करना है स्विमिंग करनी है इसलिए। उस वक्त सिर्फ स्विमिंग करनी है दिमाग में चलता था या मुझे एक लेवल पे जाना है इसलिए स्विमिंग करनी है चलता था? एक लेवल पे जाना है इसलिए, क्योंकि अगर एक दिन भी प्रैक्टिस छोड़ो तो फिर वो एक वीक जैसा हो जाता है कि एक वीक की प्रैक्टिस छूट गई। बिल्कुल, एक दिन भी प्रैक्टिस छोड़ दी जाए तो एक हफ्ते जैसी लगती है, महक का कहना है। और वाकई प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट हो पाता है। महक, कठिनाइयों के बारे में हम बात कर रहे थे, आप को काफ़ी कठिनाइयाँ आई होंगी सारी चीज़ें मैनेज करने में, पढ़ाई भी साथ में करनी पड़ती है स्विमिंग में। ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो इन कठिनाइयों को देखते हुए स्विमिंग के प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाती हैं, एक आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगी? उनके लिए कि अगर उन्हें मतलब दिल से चाहे कि वो करना चाहती हैं तो फिर वो कर सकते हैं, बाकी फिर कठिनाई तो मैनेज बाद में हो जाती है। क्या सपने आपके महक? आप एक बच्ची हैं और अभी दुनिया बहुत बड़ी है, एक खुला आसमान है, आप एक खुले आसमान में उड़ती हुई चिड़िया जैसी छोटी सी बच्ची हैं, क्या क्या अरमान हैं, क्या सपने हैं आपके अपने जो आपने बुने होंगे, चुने होंगे? मेरे को भी मतलब एशियन गेम्स में मेडल चाहिए और वहाँ खेलना है। स्विमिंग के अलावा आपके क्या शौक हैं? मैं ड्राइंग करती हूँ और मेरा स्पेस साइंस में भी इंटरेस्ट है। और कुछ आपकी हॉबीज? मैं कभी कभी गिटार भी बजा लेती हूँ, मतलब सीख रही हूँ पापा से, और बस। स्विमिंग में आपने सोचा है करियर बनाने का, लेकिन इन रियल अगर स्विमिंग में करियर नहीं बनाया तो आपने दूसरा क्या सोच के रखा है कि मेरे को ये करना है? फिर मैं आर्ट्स के से डिज़ाइन, मतलब ड्राइंग मेरी अच्छी है तो फिर मैं उसके हिसाब से ड्राइंग ड्राइंग कहीं सीखी है या खुद से? में मम्मी पापा दोनों आर्टिस्ट हैं तो फिर वो अपने आप ही आ गया। मम्मी पापा दोनों आर्टिस्ट हैं, कहते हैं कि खून में कला होती है, शायद मम्मी पापा दोनों आर्टिस्ट हैं इसलिए महक स्विमिंग भी अच्छी करती हैं, महक ड्राइंग भी अच्छी करती है। महक किस तरीके की ड्राइंग बनाना पसंद है? मेरे को ज़्यादा अभी तो मैं ज़्यादातर डूडल्स बनाती हूँ और लीफ पे जो आर्ट होता है वो बनाती हूँ, और जो सीनरीज हैं वो सब होता है वो सब। अगर हम पेंटिंग में करियर बनाओगे महक तो क्या सोच के रखा है, कैसे क्या करना है? मैंने दो चीज़ें सोची हैं, एक आर्किटेक्चरिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। दोनों के पीछे वजह? बस थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो उससे उसमें अपन खुद की कुछ चीज़ कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में भी अपन खुद की डिज़ाइन बना के दे सकते हैं, और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में भी खुद का अपन वो डिज़ाइन कर सकते हैं। कहते हैं मंजिल चुन लो तो राह आसान हो जाती है। हम आगे भी महक से बात करेंगे, फिलहाल वक्त ब्रेक का है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।
देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महक से चर्चा हम कर रहे थे, महक ने मंजिल चुन ली है इसलिए रहा आसान है। महक, क्या रहती है आपकी रूटीन डे की? अभी तक मैं स्कूल जाती थी तो सुबह स्कूल जाती थी, फिर घर आके जो भी फ्रेश फ्रेश और खाना खाया और फिर प्रैक्टिस के लिए चले जाती थी, और फिर आके जो टाइम बचता था उसमें उस कोचिंग जाती थी। महक, पूरी दिन की रूटीन में सबसे फेवरेट क्या है, क्या करना बहुत पसंद है? स्विमिंग करना पसंद है। लोगों को, बच्चों को सोना बहुत पसंद आता है तो हाँ, सोना भी पसंद है। महक को सोना भी बहुत पसंद है और स्विमिंग भी बहुत पसंद है। महक, खाने में क्या पसंद करती हो? मेरे को मतलब पनीर की सब्जी पसंद है। महक की कोफ्ते और जो मसाले वाली सब्जी रहती। महक डॉक्टर के कहने से ज़रूर स्विमिंग करने आई थी हेल्थ बेसिस के लिए, लेकिन मसाले वाली सब्जी महक को बहुत पसंद है। महक, मम्मी कैसे आपको बूस्टअप करती हैं, क्या आपको बताती हैं, क्या मम्मी चीज़ें सिखाती हैं जो आपने जहन में बिठाई होंगी कि मेरी मम्मी ने मुझसे ये कहा है, पापा ने ये कहा है, इनके सपने पूरे करने हैं, क्या रहता है, क्या चलता है दिमाग में? वो बोलते हैं कि अपने दिल से करो तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, अब मतलब शिद्दत से करो तो बस वही सोच के करती हूँ। अच्छा महक, दो लाइन आपने चुनी है, एक पेंटिंग एक स्विमिंग, दोनों पैरलर पसंद है या ये लगता है कि फर्स्ट ये और सेकंड ये? दोनों पैरलर पसंद है। पढ़ाई कितना पसंद है? थोड़ा पढ़ाई थोड़ी थोड़ी पसंद है। स्विमिंग और आर्ट पहले पसंद है। आपका पहला सपना, आपकी पहली पसंद, आपकी पहली लाइफ, आपकी स्विमिंग और आर्ट, है ना? दोनों थोड़ा डिफरेंट हैं, है ना? स्विमिंग अलग तरीके से फिजिकली आपको करती है और आर्ट जो है बहुत मेंटली, बहुत पेशेंस का काम होता है। तो दोनों चीज़ें करते टाइम दिमाग में क्या चलता है? जो मतलब जैसे इंटरेस्ट है तो स्विमिंग में इंटरेस्ट है तो उस समय उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो करना है, फिर जब आर्ट्स जब ड्राइंग कर रहे हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये बनाना है तो कैसे अच्छा लगेगा, कितना अच्छा बनेगा ऐसे। ड्राइंग मम्मी पापा दोनों सिखाते हैं? हाँ मतलब वो लोग करते थे तो उनको देख देख के सीख लिया। देख देख के आया, अभी तक प्रोफेशनली मम्मी पापा से सीखा नहीं है? हाँ पापा कभी कभी सिखाते हैं मम्मी पापा कि ऐसे करो ऐसे, बाकी अपने आप से। महक, आपके और भाई बहन हैं? मैं अकेली हूँ, बाकी कजिन से। महक परिवार में इकलौती बिटियां हैं तो माँ बाप का पूरा ध्यान महक पर है और महक को चाहते हैं कि वो करियर में अपने इतनी ऊंचाई छुएं कि महक का अपने नाम के साथ साथ पूरे परिवार का नाम रोशन करें, भोपाल का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। महक, और क्या पसंद है, क्या करना चाहती हो लाइफ में, और बेटियों को, जो और भी परिवार की बेटियां, उनको क्या संदेश देना चाहती हो? कि वो मतलब जो वो चाहती हैं वो कर सकती हैं और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती अगर हम चाहते हैं उसे करना तो, बस। मम्मी पापा को क्या कहना चाहोगी? थैंक यू कि उन दोनों का बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा, और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। सिर्फ थैंक यू? शब्द नहीं है माँ बाप के सपोर्ट के लिए, तो सिर्फ थैंक यू। महक, आगे अभी आपने स्टेट लेवल किया है जो कंपटीशन करके आए हो, वो आगे के सिलेक्शन के लिए भी हुआ था? अभी आप जूनियर से सीनियर लेवल पे आ चुके हो, तो अपन स्विमिंग की बात करते हैं कि स्टेट लेवल से अब नेशनल लेवल तक के कंपटीशन में, तो आपका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, क्या कैसे आपको वहाँ परफॉर्मेंस देना है?
अभी जैसे स्टेट में जो कंपटीशन हुआ उसमें अपना बेस्ट टाइमिंग देना रहता है, और जो फर्स्ट पोजीशन आती है उसको नेशनल में सिलेक्ट होता है। तो मेरी जो फर्स्ट पोजीशन आई है उससे फिर मैं सीनियर नेशनल में सिलेक्ट हुई हूँ। तो अब नेशनल की क्या तैयारियां रहेंगी आपकी, और क्या सोचा है कि कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ आपको नेशनल लेवल का कंपटीशन भी फेस करना है, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं? प्रैक्टिस मैं शाम को करती हूँ और फिर सुबह रनिंग के लिए जाती हूँ, तो यह है। और फिर बाकी कॉलेज के लिए जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी रहती है वो करती हूँ। तो नेशनल कहाँ पर आप नेशनल लेवल का आपका कंपटीशन होगा, और नेशनल लेवल के बाद वहाँ से आगे की क्या प्रोसेस रहेंगे? अभी सीनियर नेशनल का डिसाइड नहीं है कि कहाँ है, और मतलब होगा तो वो भोपाल में, मगर अभी डेट्स डिसाइड नहीं है। तो आपको कितने, अभी जब आपने कंपटीशन में गए थे आप स्टेट लेवल के, तो कितने लोगों के बीच में आपको फाइट करना पड़ा था? बहुत सारे लोगों के बीच में फाइट करना पड़ा था, मतलब छोटे बड़े सब रहते हैं। सीनियर्स में तो छोटे भी खेल लेते हैं साथ में, तो ऐसा रहता है। तो जब हम कंपटीशन में जाते हैं, है ना, जब हमारी बारी आती है, तो कैसा लगता है? मन में डर लगता है, घबराहट होती है? हाँ थोड़ी बहुत पेट दुखने लग जाता है मेरा कंपटीशन से पहले ज्यादातर। डर सबके मन में घर करता है, और चाहे भले ही नेशनल पे अभी स्टेट में महक फर्स्ट आई हूँ, लेकिन बता रही हैं कि जब वो जैसे ही बारी आती है तो पेट दुखने लगता है डर की वजह से, लेकिन फिर भी महक उस डर को पछाड़ते हुए हमेशा अव्वल आती हैं। महक, अभी स्टेट से हम नेशनल की ओर बढ़ चुके हैं, है ना, नेशनल की तैयारी हाँ हम कर रहे हैं। कैसी तैयारी होती है, कितने घंटे प्रैक्टिस कराई जाती है, और कोचेस के क्या ऐसे हमको टिप्स मिलते हैं जो हमको अप्लाई करने होते हैं? कोचेस हमें स्ट्रोक करेक्शन और स्पीड अपनी मेंटेन करके रखनी रहती है, और सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी होती है, 4-4 घंटे ऐसा रहता है। 4-4 घंटे की प्रैक्टिस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम करनी होती है। हाँ जितने भी नेशनल में प्लेयर्स आते हैं जो मेडलिस्ट रहते हैं वो सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ तो 3 टाइम भी प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको लगता है कि आप इस लेवल में आ गई हो, इतनी प्रैक्टिस करती हो और कुछ करने की कोशिश कर रही हो, क्या अभी कुछ फैसिलिटीज की कमी है हमारे प्लेयर्स के लिए, या क्या और डेवलप किया जा सकता है कि वो और भी अच्छे तरीके से निखार के आप लोग काम कर सको? फैसिलिटीज़ की तो कमी है, जैसे कि स्कूल का उतना सपोर्ट नहीं होता, और जैसे कि अगर हम रुकने जाते हैं बाहर तो कभी कभी तो कुछ खास फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। वहाँ पर उस वक्त कैसा लगता है जब हम अपने शहर के लिए खेल रहे होते हैं, हम अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण कभी-कभी प्लेयर घर बैठ जाते हैं और उनका मनोबल टूट जाता है। जैसा कि महक बता रही है कि स्कूल सपोर्ट नहीं करता, होता है कि एग्जाम्स भी हैं, स्कूल का प्रेशर भी है, और स्विमिंग भी करनी है, हमारा करियर का भी सवाल है, हमारे शौक का भी सवाल है। उस वक्त कैसे मैनेज करते हैं, स्कूल वालों से क्या सपोर्ट मिल पाता है या नहीं? ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत मिल पाता है सपोर्ट, मतलब कि प्रैक्टिस भी करनी है फिर पढ़ाई भी करनी है, तो दोनों चीज़ मैनेज करनी होती है। और जो हम स्विमिंग करने जाते हैं, वहाँ हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको सपोर्ट या किसी तरीके का आपको स्कॉलरशिप या कुछ मिला है? फिलहाल तो अभी नहीं मिला, उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है स्कॉलरशिप का, बाकी ऐसे तो इतना सपोर्ट नहीं है। आपने स्टेट लेवल खेला है, स्टेट का मतलब होता है आपने मध्य प्रदेश के लिए खेला है, तो मध्य प्रदेश की सरकार या वहाँ के मेंबर से आपको कोई फैसिलिटी किसी भी तरीके की आपको नहीं मिली है, जो आप आगे नेशनल में जा रहे हो तो आपको कोई सुविधा सरकार की तरफ से मिले जिससे कि आप बेहतर खेल सको, बेहतर अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट कर पाओ? नहीं फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मैंने वो जो एकेडमी होती है वो ज्वाइन नहीं करी, मैं अलग से करती हूँ, इसलिए भी नहीं मिला। जो एकेडमी वाले रहते हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मेरी एकेडमी, पढ़ाई भी थी तो इसलिए मैं एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाई। एकेडमी ज्वाइन नहीं की है, खुद से स्विमिंग सीखती है महक और खुद ही स्टेट लेवल तक पहुंची है, लेकिन फिर भी चूंकि प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही है तो
दायित्व प्रदेश की सरकार का बनता है, चाहे वो उनकी एकेडमी से हो ना हो, लेकिन प्रदेश का नाम तो रोशन कर ही रही है महक। तो सरकार को कहीं इस विषय में सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को कैसे और बेहतर से बेहतर खेलने के लिए सुविधाएं दे सकते हैं। महक, चलते चलते अपन एक बात और करेंगे। मम्मी पापा का सपोर्ट है और स्विमिंग आपको पसंद है, ड्राइंग आपको पसंद है, सारी चीज़ें हैं। आप अपने देश को खिलाड़ियों के लिए कैसा देखना चाहती हूँ? अभी तो यहाँ मतलब खिलाड़ियों के लिए बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, सपोर्ट भी मिलने लग गया है बहुत सारे खिलाड़ियों को, और आजकल स्पोर्ट्स में मतलब ज़्यादा वो भी ध्यान देने लग गए हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है। मैं कहीं ये लगता है कि सिर्फ क्रिकेट की बात होती है चारों तरफ, बाकी किसी गेम की बात नहीं होती? हाँ। उस टाइम लगता है कि हाँ। मैंने भी क्रिकेट खेला होता तो आज मुझे भी लोग सारा आंखों पर बैठा के घूम रहे होते। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्रिकेट इतना पसंद नहीं है मेरे को, मगर हाँ सब जगह ज्यादातर क्रिकेट क्रिकेट ही करते रहते हैं, ज्यादातर क्रिकेट के बारे में सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट होता रहता है और कोई और स्पोर्ट्स की बात ही नहीं होती, तो बुरा लगता है कि सब जगह क्रिकेट हो रहा है और हमारे गेम की कोई बात ही नहीं कर रहा है। खैर, ऐसे ही हम किसी होनहार बच्चे से आपकी मुलाकात फिर करवाएंगे। दखल न्यूज़ पे फिलहाल इतना ही, देखते रहिए दखल न्यूज़। देख रहे हैं दखल न्यूज़।